आइडेंटिफाई द वर्ड कंटेनिंग ट्रिप थोंग तो ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें से ट्रिप थोंग तलाश करना है तो इसका आंसर सी ठीक है टावर आ, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर टू फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ड तो ये जो लाइन दी हुई है जिसमें अंडरलाइन वर्ड है हेल्प इसका एडजेक्टिव बनाना है तो वो ऑप्शन ए ठीक है हेल्प क्वेश्चन नंबर थ्री है आइडेंटिफाई द सन्टेंस विद द कुरेक्ट यूज़ ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो इसमें ऑप्शन ए ठीक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जो जैसे इसमें वही आ रहा है तो वही के साथ आवर सेल्फ होना चाहिए तो क्वेश्चन नंबर फोर है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द यूज़ ऑफ अनकाउंटेबल नाउन तो अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है जो चीज़ें हम काउंट नहीं कर सकते वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है तो इसका ऑप्शन ए ठीक है द मशीन क्रशेज़ वीट ग्रेन्स टू मेक फ्लोर तो जो वीट ग्रेन्स है गंदम के दाने वो हम काउंट नहीं कर सकते और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फाइव इसमें दिए गए सेंटेंस में से फिगर ऑफ़ स्पीच फिगर ऑफ़ स्पीच जो है ना उसको तलाश करना है तो ये लाइन है आई एम फ्रीजिंग इन दिस कोल्ड वेदर मतलब इतना ठंडा मौसम है कि मैं फ्रीज हो रहा हूँ तो इसका ऑप्शन डी ठीक है हाइपर बोले हाइपर बोले का मतलब होता है मोबाइल का आरई करना यानी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना तो फ्रीजिंग से मुराद है कि बहुत ही ठंडा हो रहा हूँ फ्रीज ही हो रहा हूँ बिल्कुल नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स वट इज़ द मीनिंग ऑफ गिवन प्रोवर्प आटि टाइम सेव्स नाइन तो ये एक मुहावरा दिया हुआ है इसका इसका बताना है है सही आंसर ऑप्शन सी वी शुड सॉर्ट आउट अ प्रॉब्लम इंस्टेंटली एज इट सेव आवर वैल्यूएबल टाइम क्योंकि हमें किसी भी प्रॉब्लम को फौरी हल करना चाहिए क्योंकि इससे हमारा वक्त बचता है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन दियन डैश द बेल बिफोर द पीरियड फिनिश यानी पीएन जो है वो घंटी बजा चुका था पीरियड खत्म होने से पहले तो बजा चुका था तो ये पास्ट परफेक्ट है तो इसलिए ऑप्शन ए आएगा हैड रंग क्वेश्चन नंबर एट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पजल्ड तो पजल का मतलब होता है कंफ्यूज होना उलझन का शिकार होना तो इसका ऑप्शन सी ठीक है कंफ्यूज्ड क्वेश्चन नंबर नाइन इन द ब्लैंक विद करेक्ट एडवर्ब ऑफ टाइम तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है ही विल गेट अ प्राइज टूडे कि वो आज इनाम हासिल करेगा जो बाकी तीनों हैं वो पास्ट के लिए है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर टेन व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ क्विज क्विज का जमा क्या होता है क्विजिस ऑप्शन बी ठीक है ये हमारा नेक्स्ट वर्जन स्टार्ट हो गया है आइडेंटिफाई वर्ड कंटेनिंग अ ट्रिप थोंग तो इसमें ट्रैप ट्रिप थोंग वाला जो है वो तलाश करना है तो ऑप्शन सी ठीक है फ्लावर क्वेश्चन नंबर टू है फॉर्म मैन एडजेक्टिव फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ब हेल्प है तो इसका आएगा हेल्प ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर थ्री आइडेंटिफाई सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो रिफ्लेक्सिव जो है ऑप्शन बी ठीक है प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द फर्स्ट टर्म एग्जाम तो बी ठीक है नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर फोर आइडेंटिफाई सेंटेंस विद अनकाउंटेबल नाउन तो अनकाउंटेबल नाउन इसमें है द प्राइस ऑफ फ्यूल कीप्स गोइंग अप जो फ्यूल होता है पेट्रोल वगैरह वो हम काउंट नहीं कर सकते तो ऑप्शन ए ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द सेंटेंस माई टेलीविजन इज ऑल्डर दैन डायनोसॉर मतलब मेरा टीवी इतना पुराना है कि जितने के डायनोसॉर थे यानी मोबाइल का राई कर दी है बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है तो इसका ऑप्शन बी ठीक है हाइपर बोले हाइपर बोले का मतलब होता है मुबालगा आई करना बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना क्वेश्चन नंबर सिक्स है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिवन प्रोवर्ब चैरिटी बिगन एट होम इसका ऑप्शन ए ठीक है यू शुड टेक केयर ऑफ योर फैमिली बिफोर हेल्पिंग अदर क्या आप दूसरों की मदद करने से पहले पहले आपको अपने घर वालों यानी अपनी फैमिली की हेल्प करनी चाहिए क्वेश्चन नंबर सेवन है दे डैश द ऑफिस बिफोर मीटिंग स्टार्टेड मतलब वो ऑफिस पहुंच चुके थे मीटिंग स्टार्ट होने से पहले तो हैड अराइव्ड आएगा ऑप्शन डी पास्ट परफेक्ट सेंटेंस चाहिए क्वेश्चन नंबर एट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रबल तो ट्रबल का मतलब होता है बॉदर यानी तकलीफ परेशानी क्वेश्चन नंबर नाइन है इन द ब्लैंक विद करेक्ट एडवर्ब ऑफ टाइम ही विल गेट अ प्राइज टूडे वो आज इनाम हासिल करेगा क्वेश्चन नंबर टेन है वट इज द प्लूरल ऑफ डेजी तो डेजी का जो प्लूरल है वो ऑप्शन डी ठीक है डेजीज क्योंकि तो जिसके एंड पे वाई होता है तो वाई हटा के हम आई ई एस लगा देते हैं ने, नेक्स्ट हमारा वर्जन स्टार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर वन है वर्ड कंटेनिंग ट्रिपथोंग तो इनमें से ट्रिपथोंग वाला वर्ड तलाश करना है तो ऑप्शन सी है फ्लावर क्वेश्चन नंबर नाइन फॉम एन एडजेक्टिव वी मस्ट तो अबे आवर एल्डर तो ओबे जो है इसका एडजेक्टिव बनाना है तो वो ऑप्शन बी ठीक है ओबीडियंट उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो वही आ रहा है शुरू में तो वही का जो है ना वो आएगा आवर सेल्फ आर सेल्फ़ तो ऑप्शन ए ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द यूज़ ऑफ अनकाउंटेबल नाउन तो अनकाउंटेबल ऑप्शन ए ठीक है इसमें फ्यूल है और क्वेश्चन नंबर फाइव है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेंटेंस इसमें जो है ना वो हाइपर पोले है क्वेश्चन नंबर सिक्स है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गिवन प्रोवर्ब चैरिटी बिगन एट होम ऑप्शन ए ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन है द प्लेन डैश लेफ्ट बाय द टाइम आई रीच द एयरपोर्ट यानी प्लेन जा चुका था जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा तो इसका ऑप्शन बी ठीक है हैड लेफ्ट क्वेश्चन नंबर एट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पज़ल तो पज़ल का मतलब होता है कन्फ्यूज़ होना परेशान होना क्वेश्चन नंबर नाइन फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस देर इज अ गार्डन बिहाइंड माई हाउस मेरे घर के पीछे एक गार्डन है क्वेश्चन नंबर टेन है वट इज द प्लूरल ऑफ डेजी तो डेजी का प्लूरल होता है डेजीज ऑप्शन डी ठीक है सो माय डियर स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट वर्जन स्टार्ट हो चुका है लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है क्योंकि मैंने आपके लिए बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई है बाकी तमाम वीडियोज़ यूट्यूब पर आपको एक एक वर्ज़न की मिलेगी लेकिन मैंने इसमें तमाम वर्जनस को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है तो इससे आपके लिए आसानी हो गई है कि आप एक ही वीडियो देखकर अपने पेपर की अच्छी तैयारी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलिएगा तो चले नया वर्जन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है आइडेंटिफाई द वर्ड कंटेनिंग ट्रिपथोंग तो ट्रिपथोंग तो अब तक आपको याद हो चुका होगा ट्रिपथोंग वो होता है जिसमें तीन वॉवल्स की इकट्ठी आवाजें आ रही होती हैं एक साथ तो इसमें ऑप्शन सी ठीक है आयरलैंड आयरलैंड क्वेश्चन नंबर टू है फॉर्म एन एडजेक्टिव तो इसमें आपने टॉक्स जो अंडरलाइन लफज है इसको इसका एडजेक्टिव बनाना है तो इसका एडजेक्टिव ए है टॉकटिव क्वेश्चन नंबर थ्री है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चेयर है तो चेयर के साथ क्योंकि वो एक चीज है तो इसका जो है ना प्रोनाउन वो होता है इट सेल्फ तो ऑप्शन सी ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द यूज़ ऑफ अनकाउंटेबल नाउन वाटर इज द सोर्स ऑफ एनर्जी तो वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते ना ही हम एनर्जी को काउंट कर सकते हैं तो ऑप्शन ए ठीक है उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच आई वेटेड फॉर यू एट द स्टेशन फॉर ईयर मैंने स्टेशन पर आपको सालों इंतजार किया तो सालों इंतजार किया नहीं होगा लेकिन ये इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है इसको हाइपर बोले कहते हैं नेक्स्ट हमारा एम सिक्स तो ये एक प्रोवर्ब दिया हुआ है मुहावरा जिसे कहते हैं ब्लड इज थिकर देन वाटर जो खून है वो पानी से गाढ़ा ही होता है मतलब कि जो के जो खून के रिश्ते होते हैं वो दूसरे रिश्तों के निस्बत मजबूत होते हैं योर फैमिली इज मोर इम्पोर्टेंट दैन अदर रिलेशनशिप क्वेश्चन नंबर सेवन है दे हैड अराइव द ऑफिस बिफोर मीटिंग स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर एट है इज द मीनिंग ऑफ पजल्ड कंफ्यूज क्वेश्चन नंबर नाइन इन द ब्लैंक विद द करेक्टेड वर्ब ऑफ टाइम टूडे ही विल गेट अ प्राइज टू डे क्वेश्चन नंबर टेन है वट इज़ द प्लूरल ऑफ क्विज क्विजिज ऑप्शन बी ये हमारा नेक्स्ट वर्जन स्टार्ट हो गया है तो इसमें हमने ट्रिपथोंग बताना है तो इसमें ऑप्शन बी ठीक है इंस्पायर क्वेश्चन नंबर टू है एडजेक्टिव अंडरलाइन जो वर्ड है रीड इसका एडजेक्टिव बनाना है तो वो है रीडेबल सी क्वेश्चन नंबर थ्री है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताना है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द फर्स्ट टर्म एग्जाम बी ऑप्शन ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर है अनकाउंटेबल नाउन बताना है इसका ऑप्शन ए ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव है फिगर ऑफ स्पीच बताना है आई वेटेड फॉर यू एट द स्टेशन फॉर ईयर्स तो इसका हाइपर बोले है क्वेश्चन नंबर सिक्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोवर्ब अटिच इन टाइम सेवस टाइम इसका जो है का ऑप्शन सी ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन है आई हैड लॉस्ट माई पर्स बिफोर आई वेंट शॉपिंग लास्ट मंथ तो इसका ऑप्शन बी ठीक है क्वेश्चन नंबर एट है वट इज़ द मीनिंग ऑफ हार्श हार्श का मतलब होता है स्वीयर यानी सख क्वेश्चन नंबर नाइन है इसमें एडवर्क ऑफ प्लेस बताना है तो वो ऑप्शन डी ठीक है आउटसाइड क्वेश्चन नंबर टेन शेल्फ का प्लूरल बताना है तो वो ऑप्शन बी ठीक है शेल्फ हमारा नेक्स्ट वर्जन स्टार्ट हो चुका है इसमें पहले जो ट्रिपथोंग है वो है इंस्पायर ऑप्शन बी ठीक है सेकंड रीड जो है रीड का एडजेक्टिव बताना है तो वो सी है ऑप्शन रीडेबल क्वेश्चन नंबर थ्री में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताना है तो वो होता है ऑप्शन ए ठीक है वी का होता है आवर सेल्फ क्वेश्चन नंबर फोर है आइडेंटिफाई अनकाउंटेबल नाउन तो इसमें ऑप्शन ए ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव में फिगर ऑफ स्पीच बताना है तो इसका ऑप्शन सी ठीक है हाइपर और क्वेश्चन नंबर सिक्स है इसमें प्रोवर्प है ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ठीक है और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेवन इसका हैड अराइव्ड ऑप्शन डी ठीक है क्वेश्चन नंबर एट फैटल का मानी होता है डेडली बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन नंबर नाइन इसका है ही विल गेट अ प्राइज टूडे ऑप्शन ए ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन डेजी का प्लूरल क्या होता है डेजीज ऑप्शन डी ये हमारा नेक्स्ट वर्जन है इसमें ट्रिपथोंग बताना है इसमें ऑप्शन सी ठीक है पहले का दूसरे का भी ऑप्शन ए ठीक है और तीसरे का ऑप्शन ए ठीक है चौथे का क्वेश्चन नंबर फोर जो है इसका है ऑप्शन ए ठीक है क्योंकि टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते तो वो अनकाउंटेबल नाउन है क्वेश्चन नंबर फाइव है फिगर ऑफ स्पीच बताना है योर फोन इज मिलियन ईयर ओल्ड आपका मोबाइल बहुत ही पुराना है तो ये हाइपरबोले बोले है क्वेश्चन नंबर सिक्स है चैरिटी विगंज़ एट होम तो इसका ऑप्शन ए ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन का बी ठीक है क्वेश्चन नंबर एट का सी ठीक है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर नाइन का ए ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन का बी ठीक है सो माय डियर स्टूडेंट ये मैंने इंग्लिश के पेपर के तमाम वर्जन शेयर किए कर दिए हैं कुछ स्टूडेंट बार बार कमेंट कर रहे थे कि हमें इंग्लिश के पेपर चाहिए तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है जो बच्चे पेपर दे चुके हैं तो काइंडली उस वक्त तो पेपर के दौरान उन्होंने बहुत थोड़ा याद किया होगा तो आप इसको अच्छे से समझ के याद करें ताकि नेक्स्ट टर्म में आपकी हेल्प की जा सके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा